हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, मैम आज आपको पढ़ाएंगी श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होते हैं? वे जिन्हें सुनकर लिखा जाता है। मैम आपको बोलेंगी और आपको उन्हें बिना देखे लिखना है। और ये सभी श्रुतलेख अंग एवं चंद्र बिंदु की मात्रा से संबंधित है। कौन सी दो मात्रा है? अंक की मात्रा और चंद्रबिंदु की मात्रा। इन सब का अभ्यास मैम आपको पहले भी करवा चुकी है, मगर बच्चों आपके भी एनुअल असेसमेंट आ रहे हैं, इसलिए मैम आज आपको इन सब का फिर से दोहरान करवाएंगी। सो किड्स, टेक आउट योर हिंदी प्रैक्टिस नोटबुक। ओके, तो मैम आपको बोलेंगी श्रुतलेख, आपको उन्हें लिखना है। तो पहला श्रुतलेख है, वो है संग। क्या लिखेंगे आप? संग। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कौन सी मात्रा का साउंड आ रहा है इसमें? यस, अंग की मात्रा का। तो कैसे लिखेंगे? संग। स के साथ में आ रहा है अंग का साउंड, तो स पे लगाएंगे अंग की मात्रा लाइक दिस, और फिर ग। तो क्या शब्द बनाइए? संग। अब अगला श्रुतलेख आप लिखेंगे रंग। क्या लिखेंगे? रंग। र और र पर लगाएंगे अंक की बिंदी और फिर ग। तो क्या शब्द बनाइए? रंग। अगला श्रुतलेख आप लिखेंगे पंख। क्या लिखेंगे? पंख। तो अंक का साउंड किस पे आ रहा है? यस, प पे। तो प पे लगाएंगे हम अंक की बिंदी पंख, ख पंख। क्या शब्द है ये? पंख। अब अगला श्रुतलेख आपको लिखना है चंदा। क्या लिखेंगे? चंदा, चन। तो अंक की बिंदी किस पर लगी बच्चों? यस, च पे। च पे अंक की बिंदी चन। आधा न आ रहा है तो आधे वर्ण की जगह पर हमने लगा दी अंक की बिंदी चंदा। द, द में आ की मात्रा दा, चंदा। अब अगला श्रुतलेख आप लिखेंगे पतंग। क्या लिखेंगे? पतंग। तो सबसे पहले लिखेंगे प। प में कोई भी साउंड नहीं आ रहा, इसलिए हम कोई भी मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर हमें लिखना है तंग, तो त पर अंक की बिंदी तंग, ग, पतंग। क्या शब्द बनाइए? पतंग। अब अगला श्रुतलेख आप लिखेंगे चंपक। क्या लिखेंगे? चंपक, च। सबसे पहले लिखेंगे च। अब हमने क्या बोला? चम, तो म कैसे आया? आधा, तो आधे वर्ण की जगह पर हम क्या लगाएंगे? यस, वेरी गुड बच्चों, अंक की बिंदी लाइक दिस। तो ये बन गया चम प क चंपक। क्या शब्द है ये? चंपक। ओके, अब अगला श्रुतलेख आप लिखेंगे जंगल। क्या लिखेंगे? जंगल। तो सबसे पहले हमने बोला ज, अब हमें इसको बनाना है जंग। अंक का साउंड आ रहा है तो अंक की बिंदी लगा देंगे जंग ग ल, जंगल। क्या शब्द बनाइए? जंगल। अब अगला श्रुतलेख आप लिखेंगे मंजन। क्या लिखेंगे? मंजन, म। तो सबसे पहले लिखेंगे म। अब हमने क्या बोला? मन, न आधा बोला है तो आधे वर्ण की जगह पर आ जाएगी अंक की बिंदी, ये हो गया मन ज न, मंजन। क्या शब्द बनाइए? मंजन। अब अगला श्रुतलेख आप लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, गांव। क्या लिखना है आपको? गांव। तो कौन सी मात्रा का साउंड आ रहा है इसमें? यस, चंद्र बिंदु की मात्रा का। तो कैसे लिखेंगे गांव? तो सबसे पहले लिखेंगे गा, ग में आ की मात्रा, ये तो बना गा, और हमें लिखना है गा।
तो इस पर लगाएंगे हम चंद्र बिंदु लाइक दिस। गा व गांव, क्या शब्द बनाइए, गांव। अब अगला शब्द लेकर आप लिखेंगे कांच, क्या लिखना है, कांच। तो सबसे पहले लिखेंगे का, अब इस पर लगाएंगे चंद्र बिंदु और फिर च, तो क्या शब्द बनाइए, कांच। अगला शब्द लेकर आप लिखेंगे पांव, क्या लिखना है, पांव। तो पहले लिखेंगे पा और पा में क्या लगाएंगे, यस चंद्र बिंदु, पा व पांव। अगला शब्द लेकर आप लिखेंगे सांप, क्या लिखना है आपको, सांप। तो सबसे पहले लिखेंगे सा, स में आ की मात्रा, सा इसको बनाना है सा, तो ऊपर क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु, सा प सांप, ओके। अब अगला शुक्ले शब्द आपको लिखना है हंसना, क्या लिखना है, हंसना। तो सबसे पहले लिखेंगे ह, ओके, लेकिन आपको क्या लिखना है, ह हंसना, तो क्या लगाएंगे बच्चों ऊपर, यस चंद्र बिंदु, ह स ना, न में यस आ की मात्रा, तो क्या शब्द बनाइए, हंसना। अब अगला शब्द लेकर आपको लिखना है बंगला, क्या लिखना है, बंगला, ब और ब पर लगाएंगे चंद्र बिंदु, बंग ला बंगला लाइक दिस। अब सबसे आखिरी शुक्लेख शब्द आपको लिखना है आंगन, क्या लिखना है, आंगन। तो सबसे पहले लिखेंगे आ और आप पर क्या लगाएंगे, यस चंद्र बिंदु, आ ग न आंगन, क्या शब्द बनाइए, आंगन। सो किड्स, मैम ने आपको जिस तरह से इन श्रुतलेख शब्दों को लिखने का अभ्यास करवाया है, तो आप भी अपने एनुअल असेसमेंट के लिए इसी तरह से घर पर इन सभी श्रुतलेख शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।